आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 24 अप्रैल को पूरे देश में मनाया जाएगा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। ग्राम पंचायत पाली जम्मू कश्मीर के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री होंगे शामिल। देश के सभी ग्राम पंचायतों में वेबकास्टिंग की जाएगी व्यवस्था। जिले के सभी ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सहित अन्य लोग वेबकास्टिंग के माध्यम से देखेंगे प्रधानमंत्री का कार्यक्रम। डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने दी जानकारी। नेक मांगने ही नहीं, अब नगर निगम के टैक्स वसूली के लिए घर घर जाएंगे किन्नर। नगर निगम व किन्नर कल्याण बोर्ड की बैठक में बनी सहमति। कहा, टैक्स वसूली से लगायत ऑफिस वर्क तक कई कार्यों की दी जाएगी थर्ड जेंडरों को जिम्मेदारी। किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य ने जताया आभार। शाहपुर थाने पर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा की अध्यक्षता में थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, थाना समाधान दिवस में आए 10 मामले, 5 मामलों का मौके पर किया गया निस्तारण। बाकी मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिए गए हैं निर्देश। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में गोरखनाथ थाने पर थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, थाना समाधान दिवस में आए कुल 4 मामले, सभी मामलों का मौके पर किया गया निस्तारण। अवैध असलहों की सप्लाई करने वाले एक अभियुक्त को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक देसी तमंचा व जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। नगर निगम व पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने असुरन चौराहे से मेडिकल कॉलेज तक दुकान के आगे किए गए अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर करवाया खाली। कुछ दुकानों से वसूला जुर्माना। कहा, आगे भी अतिक्रमण के खिलाफ चलता रहेगा अभियान। नवागत एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पदभार किया ग्रहण। कहा, कार्यालय आने वाले हर फरियादी के समस्याओं का निस्तारण करना ही होगा उनकी पहली प्राथमिकता। अपराध व अपराधियों पर कसी जाएगी नकेल। .5 ग्राम नाजायज स्मैक के साथ राजघाट पुलिस ने 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। और सीसीटीवी की निगरानी में महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में इंटरमीडिएट की कॉपियों के मूल्यांकन का कार्य हुआ प्रारंभ। 182,729 कॉपियों का होगा मूल्यांकन। 588 परीक्षक व उप प्रधान परीक्षक किए गए हैं नियुक्त।